बांका की लाइफलाइन कही जाने वाली चांदन पुल क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। बांका को परमंडलीय मुख्यालय भागलपुर सहित उत्तर बिहार एवं झारखंड से जोड़ने वाली अति महत्वपूर्ण चांदन पुल का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। इसके साथ ही इस पुल पर से होकर छोटे वाहनों का भी परिचालन आज पूरी तरह से ठप हो गया। चांदन पुल बांका जिले का सबसे बड़ा नदी पुल होने के साथ ही बांका जिले का लाइफलाइन भी कहा जाता है। कुछ माह पूर्व भी इस पुल के एक बड़े हिस्से में दरार आई थी। इसके बेसमेंट में दरार की वजह से पुल का एक बड़ा हिस्सा धस गया था। इसके बाद से इस पुल पर से होकर बड़े और भारी वाहनों का परिचालन रोक दिया गया था, जिसके बाद पुल के पश्चिमी और पूर्वी छोर पर लोहे के पिलर के साथ बैरिकेडिंग कर दी गई थी। वहीं पुल की सतह के एक तिहाई हिस्से को छोटे छोटे पिलर के जरिए मुख्य पथ से अलग कर उस पर पैदल जाने पर भी रोक लगा दी गई थी। हालांकि फिर भी अपनी सुविधा के अनुसार लोग पैदल जाने से बाज नहीं आ रहे थे। इसी बीच पुल पर भले ही बड़े और भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन छोटे चार पहिया वाहन, ऑटो चालक, ओवरलोड ट्रैक्टर धरल्ले से चलते जा रहे थे। नतीजा यह हुआ कि पुल का एक बड़ा हिस्सा आज नीचे पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। पुल ध्वस्त होने की सूचना जिला मुख्यालय में आग की तरह फैल गई। बड़ी संख्या में लोग पुल की और स्थिति देखने को उत्सुकता लेकर पहुंचे। हालांकि सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुल के ध्वस्त हिस्से के समीप पहुंचने से लोगों को रोका। साथ ही पुल पर से छोटे वाहनों के परिचालन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। स्थिति को देखते हुए चांदन पुल पर बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी कायम कर दी गई है। बांका जिला के अमरपुर थाना के मैनमा गांव में एक नाई को लॉकडाउन में हजामत नहीं बनाना महंगा पड़ गया। अपराधियों ने उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान मैनमा गांव के दिनेश ठाकुर के रूप में हुई है। मृतक के परिजन ने बताया कि दिनेश कल शाम से घर नहीं आया था। आज सुबह गाँव के बाहर धोपघट्टा पोखर के ग्रामीण ने लाश देख कर सूचना दी। मृतक दिनेश को गाँव के कुछ युवकों द्वारा सैलून खोलने का दबाव बनाया जा रहा था। शनिवार की सुबह भी गाँव के कुछ युवक द्वारा हजाम नहीं बनाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। शनिवार की शाम गांव के कुछ युवकों द्वारा दिनेश को बुलाकर ले जाया गया, जिसके बाद से वह घर नहीं आया। परिजनों ने काफी खोज की, लेकिन आज सुबह उसकी लाश गांव के बाहर मिली, जिसके बाद घटना की जानकारी परिजनों ने अमरपुर थाने को दी, जिसके बाद अमरपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है। हत्या की खबर सुनने के बाद पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी एवं पंचायत के सरपंच बबलू पासवान घटनास्थल कुसाहा पोखर पहुंचे, जहां पूर्व से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। घटनास्थल पर पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी ने मृतक की पत्नी और ग्रामीणों की समक्ष ही थानाध्यक्ष के सामने ही हत्या को लेकर अनलगर बयानबाजी की। मुखिया ने थानाध्यक्ष को बताया कि मृतक का अवैध संबंध मैनमा गांव की एक महिला से था और घटना के पूर्व भी मृतक का अपनी पत्नी के साथ काफी विवाद हुआ था। भाई लूट रहा है। Thank you.
वहीं मुखिया के अनर्गल बयान देने के बाद मौजूद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और मुखिया के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मुखिया को खदेड़ने लगे। मौके की नजाकत को समझते हुए पंचायत के सरपंच एवं थाना अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया एवं पंचायत की मुखिया को सुरक्षित ग्रामीणों के बीच से निकालकर उन्हें उनके आवास तक पहुंचाया। वहीं ग्रामीण दिनेश ठाकुर की हत्या से पूरी तरह हतप्रभ दिख रहे हैं। ग्रामीणों में हो रही तरह तरह की चर्चाओं से पूरा ग्रामीण क्षेत्र गर्म दिख रहा है। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि लॉकडाउन का पालन करने के कारण कहीं अपराधियों ने दिनेश की हत्या तो नहीं कर दी। बताते चले, मृतक बाल दाढ़ी बनाने का काम करता था। मृतक की पत्नी मूसा देवी के अनुसार कुछ युवकों ने बाल दाढ़ी बनाने के बहाने शनिवार की संध्या इनके पति को जबरन अपने साथ ले गए थे। हालांकि थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जल्दी सारे हत्यारोपी सलाखों के पीछे होंगे। बांका जिला मुख्यालय के जगतपुर स्थित चमनसा सरस्वती विद्या मंदिर में चोरों ने भीषण चोरी कर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की गई संपत्ति में बताया जा रहा है कि 4.5 लाख रुपए की नकदी शामिल है। जानकारी के अनुसार विद्या मंदिर में चोरी की घटना आज तड़के हुई। विद्या मंदिर में चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। स्कूल में तैनात नाइट गार्ड ने जो कहानी पुलिस को बताई है उसके मुताबिक चोरों ने उसे कमरे में बंद कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ के लिए विद्या मंदिर के नाइट गार्ड को अपने साथ थाना ले आई है। मालूम हो कि चमनसा सरस्वती विद्या मंदिर बांका शहर के जगतपुर मोहल्ले में स्थित है। विद्या मंदिर के नाइट गार्ड के अनुसार विगत रात वह बाहर सोया था, लेकिन आधी रात के बाद ठंड महसूस होने पर वह अंदर चला गया। नाइट गार्ड ने कहा वह जिस कमरे में सोया था चोरों ने उसे बाहर से बंद कर दिया। फिर विद्यालय के मुख्य कार्यालय में प्रवेश कर दो अलमारी तोड़ 4.5 लाख रुपये नकद, 3 माइक एवं सोनी कंपनी का एक वीडियो कैमरा सहित लाखों की संपत्ति चुरा ली। पुलिस ने मौके पर घटना को लेकर हल पहलुओं की जांच की तथा पूछताछ के लिए नाइट गार्ड को अपने साथ लेकर बांका चली आई। 4.5 लाख रुपया नगद लिया है, एक वीडियो कैमरा तो लगभग 17,000 का था, एक औजा का साउंड सिस्टम वो 7,000 का था, और 2 कॉर्डलेस माइक और 2 तार वाला माइक मुख्य रूप से यही गया है। और तो भी हम लोग बहुत कुछ जांच भी नहीं कर पाए हैं कि और छोटा मोटा कौन सा सामान गया है। करीबन कितना का संपत्ति लेके गया है? तो लगभग 5 लाख 5 लाख रुपया। हाँ, रविवार को बाराहाट श्रमिक केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन करते हुए 73वां इंटक स्थापना दिवस दीप प्रज्वलित कर मनाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे कामगार, मजदूर एवं राजमिस्त्रियों ने मिलकर सरकार के दिशा निर्देश का बखूबी पालन कर समाज को संदेश दिया। इस मौके पर बांका जिला इंटक अध्यक्ष विनय कापरे एवं बाराहाट प्रखंड मजदूर संगठन संयोजक बालेश्वर ठाकुर ने संयुक्त रूप से पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज के वर्तमान समय में पूरे विश्व में कोरोना महामारी से सभी तबके के लोग जूझ रहे हैं। हम सभी लोगों को सरकार के दिशा निर्देश का सही से पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एकजुटता से ही देश की तरक्की संभव है, इसलिए कामगार, मजदूर, क्रमशः राजमिस्त्री, बढ़ई मिस्त्री, सैलून मिस्त्री, ठेला चालक, ऑटो चालक, रिक्शा चालक को उनको अपने खून पसीने से कमाए गए पैसे सही से नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में कामगारों की हकमारी हो रही है, इसे हम सभी लोगों को मिलकर रोकना होगा और नए आयाम के साथ समाज का निर्माण करना होगा। इस मौके पर जिला इंटक अध्यक्ष के अलावे जिला इंटक महामंत्री त्रिभुवन पंडित, श्रम प्रतिनिधि शंभू सिंह, बाराहाट प्रखंड के मजदूर संगठन संयोजक बालेश्वर ठाकुर, प्रखंड मजदूर यूनियन के महामंत्री मुकेश शर्मा, प्रखंड सचिव चंदेश्वरी प्रसाद, सदस्य सिकंदर यादव, अशोक ठाकुर, सियाराम साहब, बाबूलाल रजक, शशि भूषण कुमार उपस्थित थे। आज इंटक दिवस है, मजदूरों को क्या कहेंगे आप? आज इस महामारी में अपना मजदूर भाइयों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए ये समझाते हुए कि 2 मीटर दूरी पे खड़े रहकर कोई भी कार्यक्रम करना है, अपना देख रेख, अपनी जान बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। इसी में मैं ये सारे 14 तारीख के बाद से पूरे जिम्मेवारी अपने मजदूर भाइयों का, मिस्त्रियों का सारे देख रेख करते हुए हमने सारा मेहनत किए और जहाँ तक हुआ जो समाज का भी गली गांव में भी जाके लोगों को समझाए और अपना भी सेफ रहे। भगवान के ऊपर वाले के दया से मैं सही सुरक्षित हूँ और दूसरे को भी सुरक्षित रखना चाहता हूँ। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का 73वां स्थापना दिवस है, क्योंकि लोकन कोरोना के लेकर कार्यक्रम
हम लोग उतना उस तरह से नहीं कर पाए हैं। जो भी अपने घर में या ऑफिस में दफ्तर में ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम है तो आखिर करना ही था, इसीलिए हम लोग ये कोरोना महामारी के चलते विशेष रूप से कार्यक्रम नहीं कर पाए। शॉर्ट कट में कार्यक्रम करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम को मनाने का प्रयास किया, जो कि आज पूरे देश में लॉकडाउन को लेकर के मजदूरों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लॉकडाउन को लेकर मजदूर तो बहुत मजबूर है, वास्तविक में मजदूर जो है मजबूर में सबसे ज्यादा मजदूर को ही कठिनाई हो रही है।